आपके साथ। राजद के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के आह्वान पर आयोजित 5 किलोमीटर जिला से लेकर प्रखंड स्तरीय तक साइकिल मार्च निकाला गया, जिसमें एनडीए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष व राजद नेता मिथिलेश विजय अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध किया है। इस दौरान राजद नेता मिथिलेश विजय ने बताया कि एनडीए गरीब विरोधी सरकार के तौर पर काम कर रही है, इसलिए साइकिल चलाकर राजद विरोध प्रकट कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, यह गरीब तबके के लोगों के लिए सरकार द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी को लेकर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जन विरोधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देखिए, नीतीश कुमार की सरकार 15 वर्षों की चली आ रही है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आप तमाम लोग देख रहे हैं दोनों के कार्यकलापों का। आज डीजल पेट्रोल का भाव जो है कितना महंगाई पर गई है, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रही है, जो किसान है आत्महत्या कर रही है और गरीब गुरुआ जो है आत्महत्या कर रहा है, नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहा है, इस पर ध्यान सरकार की नहीं जा रही है। और इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरेंद्र मोदी के सारे शीर्ष के नेता डीजल पेट्रोल के दाम जब बढ़ाए थे, आप लोग देखते होंगे आए दिन चैनल के माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, कि सभी नेता शीर्ष जो भाजपा के नेता थे बोल रहे थे कि डीजल पेट्रोल का दाम ऐसी सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए, लेकिन आज डीजल पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवानों को रोजगार छीना जा रहा है, लेकिन इस पर कोई चिंता नहीं है और सरकार चलाने में अपना मशगूल है। हमारे तेजस्वी यादव जो हमारे आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जो हमारे आरजेडी के नेता हैं, उनके आह्वान पर आज राजद का स्थापना दिवस है। उन्होंने आह्वान किया कि महंगाई के विरोध में 5 किलोमीटर तक गांव-गांव घूम करके सभी लोग जन विरोधी सरकार का विरोध कीजिए, और उसी के आह्वान पर आज तमाम युवा लोग आप देखें कि हम लोग 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके सभी लोगों को बताने का काम किया कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार बिहार में और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जन विरोधी सरकार है, इस सरकार को आने वाला समय में 2020 के चुनाव में बिहार की गद्दी से हटाइए और माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में राजद की सरकार बनाइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तभी गरीब की कल्याण हो सकती है, नौजवानों का को रोजगार मिल सकता है और महंगाई कम हो सकती है। हम लोग जो है किसान और गरीब गुरबा जो है हम लोग अच्छा हवा लेकर के, अच्छा सांस लेकर के इस सरकार में, तेजस्वी के सरकार में जी सकते हैं, इसी को लेकर के आज हम लोग ने सैकड़े दे लिया।